बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद है और आज मैं आप लोगों के साथ जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 6 के इंग्लिश का सब्जेक्ट है और यूनिट नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। टॉपिक क्या हमारे पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ मर्सी, इससे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम ऐसा ऐसा रोज़ाना एक डेली बेसिस पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेते जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की किताब है इंग्लिश की, तो इसे इसमें पेज नंबर 5 पे आप आ जाए, पेज नंबर 5 पे आप लोगों को दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। आप लोगों ने इन 4 क्वेश्चन को किताब से लिखना है, मैंने यहाँ आप लोगों को 4 आंसर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के साथ, व्हेन एंड वेयर वाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां पैदा हुए थे। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न ऑन 20 अप्रैल 571 इन मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 571 एडी को पैदा हुए थे। तो इसमें आप लोगों को दो व्हेन एंड वेयर का जवाब मिल गया। व्हेन ये आप लोगों के पास है व्हेन, और वेयर सो ये है वेयर, सो वेयर का जवाब भी आप लोगों को मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां पैदा हुए थे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला और खम से पैदा शुरू। तो इस सवाल का जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी को मक्का में पैदा हुए थे। अच्छा, अब आप देखिए इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के साथ, व्हाई वाज ही कॉल्ड सादिक एंड अमीन, हुजूर सल्लम को सादिक एंड अमीन क्यों कहा जाता था, क्या वजह थी उसकी। तो इस सवाल का जवाब है आप लोगों के पास, मैंने यहाँ लिखा है, He was called Sadiq and Amin because he never told a lie and he was always honest and fair in dealing with people। तो इस सवाल का जवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक एंड अमीन क्यों कहा जाता था। तो इस सवाल का जवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक एंड अमीन इसलिए कहा जाता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, इस वजह से। एंड दूसरी क्या वजह थी, एंड ही वाज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेयर एंड डीलिंग विद पीपल, हुजूर सल्लम की डीलिंग, हुजूर सल्लम के मामलात लोगों के साथ, उसकी क्या वजह थी कि उसमें मतलब वो बिल्कुल ईमानदार थे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी मतलब इस तरह की वो नहीं की लोगों के साथ। तो इस वजह से हुजूर सल्लम को सादिक एंड अमीन का लकब दिया गया। और एक बात मैं आपको बताता चलो कि यहाँ टोल इस्तेमाल हुआ है, तो ये टोल है सेकंड फॉर्म, टेल टोल, ये सेकंड फॉर्म हमारे साथ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये एच से शुरू हुआ है, तो लिहाजा आप इस यहाँ एच साइलेंट है, यहाँ किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, आनेस, इसमें एच साइलेंट है। तो इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया कि ही वाज कॉल्ड सादिक एंड अमीन बिकॉज ही नेवर टोल्ड अ लाई एंड ही वाज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेयर एंड डीलिंग विद पीपल, इस तरह। अच्छा, अब आए तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका जवाब है हमारे पास, रहमतुल लिल आलमीन मींस ब्लेसिंग फॉर ऑल द यूनिवर्स, फॉर ऑल द एंटायर यूनिवर्स,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ساری کائنات کے لیے ایک رحمت تھے ایک برکت تھے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اچھا اب پیج نمبر 5 پہ میں آپ لوگوں کو پیج کا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پہ آپ کو یاد ہو کہ پیج نمبر 5 پہ یونٹ نمبر 12 پہ کوئسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین دا ہرٹس آف ہز اینیمیز اینڈ فرینڈز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے دل کس طرح جیتے اپنے دوستوں کے دل کس طرح جیتے تو اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم won the hearts of his enemies and friends by love and kindness حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کے دل جیتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کے دل لو اینڈ کائنڈنس کی وجہ سے مطلب کس طرح ان سے ڈیلنگ ہوتی تھی اس طرح اگر آپ اس سوال کو بھی دیکھ لیں اس سوال کا جواب تقریباً یہاں بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کس طرح تھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایون اپنے چچا زاد بھائی کے دشمنوں قاتلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات اینڈ ڈیلنگ تھی تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گی ان شاء اللہ اگر کچھ مسئلہ ہوا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ